किसान भाइयों, मैं विकास गौड़ रियल फार्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं संभल के फिर एक कोल्ड स्टोर में रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ। यहाँ मुझे गाड़ी और कोल्ड के बाहर काफी माल दिख रहा है, तो आइए यहाँ का माहौल देखते हैं। ये इधर डंप लग रहा है कोल्ड के बाहर। कोल्ड ये भी स्टॉक हो रहा है, मतलब जा रहा है कलकत्ते, बड़े बड़े दूर जा रहे हैं आलू। आगे 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 फरुखाबाद, उसको फरुखाबाद या उधर नाम है बंगाल भी जा रहे हैं आलू। ये सभी लोड होगा, ये सब लोड होने वाला है। ये कोल्ड स्टोर वाला, ये तो वही दागी आया है, ये छठ रहा देखो। जी जी, तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हो कोल्ड के चारों तरफ आलू ही आलू है, तो यहाँ पे कोल्ड मालिक भी हैं। मैं उनसे बात करूँगा और यहाँ के मैं सभी लोगों से बात करने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहिए। नमस्कार जी सर, कोल्ड का नाम क्या आपकी का? किसान कोल्ड। किसान कोल्ड, थोड़ा नेक तेज बोलना, इधर आ जाइए चाहे आप। तो किसान कोल्ड किस जगह पड़ रहा है? चौधरी सर, चौधरी छोटा संतर, छोटा संतर संभल। तो ये कह रहा हूँ, इसकी कैपेसिटी कितने की है? 1,60,000 बैग। 1,000? 1,60,000 बैग, ठीक है। तो पहले से क्या है इसका, इस समय कोल्ड का कितने परसेंट हो चुका है अभी? ये मानिए 95% हो चुका है। 95% हो चुका है, तो फुल हो जाएगा ये। तो और पहले क्या थी इसकी कंडीशन? पिछले बार में भी इतना ही माल था। अच्छा, और सन 2020 से लगाए तो इसको 20 में माल था, 20 में तो माल ही नहीं था, 32,000 बैग थे बस। केवल 32,000 थे, बताओ इस बार तो काफ़ी फुल है, पहले भी फुल था, सड़ गया ना, बारिश हो गई। ये बताइए, आपकी में जो दागी माल है वो भी है कोल्ड में? ना, दागी माल। और व्यापारी का कितने परसेंट माल है इसमें? व्यापारियों का भी मान के चलिए 20-22% माल है। 20-22%। तो आपको क्या लग रहा है कोल्ड कब तक खुल जाएंगे आपके ये? कोल्ड खुल जाएंगे मई के लास्ट। मई के लास्ट में? मई के लास्ट में, मई के लास्ट। ये तो आप बहुत बता रहे हो, मैं अप्रैल का सोच रहा, अप्रैल के लास्ट में। ना ना, मई के लास्ट, मई के लास्ट में। तो अभी खुदाई भी काफी बाकी आपके एरिया में? खुदाई तो लगभग हो चुकी है, मान के चलो 4-5% बाकी। 4-5% बाकी अभी, तो मई के लास्ट में कोल्ड खुलने की बता रहे हैं ये तो। हाँ, वो बंगाल का लोडिंग है ना। अच्छा, अब ये जो गाड़ी बाहर खड़ी है आपके कोल्ड में, ये कहाँ जा रही है? ये बाहर कंपनी जा रही है, कंपनी में। तो ये भाई साहब बता रहे बंगाल में जा रही है, बंगाल में जा रहा है और कंपनी में जा रही है। भाई बंगाल भी सुनो, बंगाल भी जा रहा है, कलकत्ते भी जा रहा है, उसमें कंपनियों में बंगाल का लोडिंग चल रहा है। अच्छा जी, बंगाल का लोडिंग और कलकत्ते, हमारे यहाँ कई आदमी आए हुए। अच्छा अच्छा, और ये चिप्सोना तो कंपनी में जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि इस बार किसान को क्या दाम मिल सकता है? किसान अच्छा रहेगा। अच्छा, तो कोल्ड कितने से खुलने का टाइम मान के चलते हैं, बरसात से जब बारिश होती है। अच्छा अच्छा, अभी सोचो कि हम आज डाल के कल निकाल लें तो कोल्ड खुलेगा, ऐसा नहीं है। जब नहीं, लोग बता रहे हैं कि अब के जल्दी खुलेंगे, 15 अप्रैल से खुलना शुरू हो जाएंगे। 15 अप्रैल से खुलना शुरू होंगे कोल्ड, तो 15 अप्रैल, अभी तो 15 अप्रैल तक तो स्टोर में माल आता रहे। अच्छा, यानी आपके संबंध नहीं खुल पाएगा? आपका संभल नहीं, आपका संभल खुलने का ये बता रहे हैं भाई, मई में बता रहे हैं, मई में भी ना, मई में खुलने वाला। जैसे सुनो, अभी जैसे हमें सुनने में आई है कि साहब आगे से 35 गाड़ी है, 40 गाड़ी आलू ठंडा होगा, साउथ जा रहा है। जी जी, अगर ये स्थिति वहाँ पे भी रही तो ऐसी स्थिति क्या बन जाएगी? बिल्कुल, अभी ठंडा होकर लोडिंग शुरू हो जाएगा। जी जी, अभी देखो ऐसी खबर आ रही है जैसे साउथ में आलू 800 रुपये कुछ उठ के जा रहा है भैया, 800 रुपये बैग। हाँ, तो ये सच है क्या? हाँ सच है, बिग बास्केट खरीद रही 16 रुपये पाउच। अच्छा अच्छा, तो आपके जैसे 800 रुपये जा रहा है तो फिर तो सही रेट मिलेगा शुरू से? हाँ सही रेट सही है, 15-16 रुपये तो ये समझो कि मई में जैसे खुलेगा 1500-1600 रुपये का रेट से स्टार्ट होगा। नहीं, अनुमान ये लगाया जा रहा था कि संभल में पैदावार कम है। कम नहीं है, पहले की बराबर ही लगा। उसका एक सबब संभल में बहुत छत्र आता है। अच्छा अच्छा, जैसे गिन्नौर आ गया, जैसे बेजोई आ गया और तुम्हारे का ये इधर आ गया, तो ये सारे क्षेत्र जो भूड़ का इलाका बोला जाता है ना, वहाँ तो बहुत हल्की पैदा होती है। अच्छा, मैंने पहले भी कहा था और अभी कह रहा हूँ, मैं कम से कम मेरे हमारे क्षेत्र में कम से कम 1,000-12,000 बीघे जंगल ऐसा है जो बेस्ट पैदा होती है, अच्छी पैदा होती है। यहाँ कहीं कितनी कम हो लेकिन यहाँ पूरी होती है। अच्छा, यह चौधरी सरा हुआ, हसनपुर हुआ, सिकंदरपुर हुआ, अहमदपुर हुआ, गोविंदपुर हुआ,
और मंडी हुई, ये सारे जितने गांव हैं या आसपास के जो है यहाँ का किसान बहुत जागरूकता है। अच्छा, यहाँ तो बस बूझो मत, ये यहाँ तो कंपनी वाले भी ये कहते हैं कि हमारा आलू निकला क्यों इतना। अच्छा अच्छा, ये सच है ना? तो सही है, ये जो बाहर जो आलू बचा है अभी आपके कोल्ड के बाहर, वो आपके कोल्ड में जाएगा कि वो एक्स्ट्रा में? कोल्ड में जाएगा, एक्स्ट्रा आलू संभल में बचे ही नहीं कहीं भी। अच्छा अच्छा, ना बचेगा, यही वजह आलू के रेट बढ़ने की। अच्छा, डंप नहीं है इस बार? डंप है, कम है, कम है डंप, सभी कोल्ड हो रहा है टेम्परेचर की वजह से। हाँ, रेट तो एक हफ्ते के बाद से बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो वैसे भी चिप्सोना आलू है आपके यहाँ का, और चिप्सोना आलू की मांग भी बहुत रहती है। तो ये कह रहे हैं, अभी मैंने बात हुई थी आगरा वाले, कुछ लोग बता रहे थे कि आगरा के आलू की डिमांड रहेगी, संभल के चिप्सोना की इतनी मांग नहीं रहेगी। ऐसा है, चिप्सोना संभल का जो नंबर एक पे बिकता है चंदौसी और संभल। हाँ, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा डिमांड है चंदौसी और संभल की। हाँ, दिल्ली में तो है, साउथ के लिए कह रहे थे वो। दिल्ली जो है, इसलिए है, सुनो, ये है, ये हमारे भाई हैं। हाँ, और ये भी भाई हैं, ये भी भाई हैं, ये किसान भी हैं, काफी बड़े किसान हैं। तो ठीक है भैया, आपकी जानकारी दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो अपना नाम क्या था सर? मोहम्मद नदीम। और कोल्ड का नाम? किसानपुर संभल। एक हाँ जी, ये भी हाँ जी सर, नाम क्या है आपका? इरफान। कितने आलू लगाते हो आप? 400-500 बीघा। कोल्ड मालिक भी है। अच्छा, कोल्ड मालिक भी है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है? नहीं, थोड़ा तेज बोलिए। सही रहेगा, सही रहेगा। तो आप कह रहे हो तो थोड़ा किसानों में उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा कोल्ड भर चुके हैं, तो इससे नुकसान हो ना 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 कोल्ड इतने नहीं भरे हैं, जो नुकसान में जाएंगे किसान, फायदे में जाएंगे आपके साथ, फायदे में ही रहेंगे। तो चलो, 1000 क्रॉस कर जाएगा क्या? ना, 1000 तक पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा। चलो वो देखते हैं, ऊपर पहुंचेगा। चलो, पैकेट की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, पैकेट की बात कर रहे हैं। 2000, अरे 2400 रुपये पीछे भी हो गया था। हाँ, पहले तो हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, हो गया था जी। ठीक है, तो फिर हैं, नमस्कार। आ जाइए किसान भाइयों, कोल्ड मालिक है, इनसे तो हमारी बात हो चुकी है। अब बाहर का माहौल देख लेते हैं, बाहर क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे। और देख रहे हो, ये किसान कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री लिख रहा है, ये किसान कोल्ड है संभल में। और किसान भाइयों, संभल में जो मैं हूँ, यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी जानकारी भी मिल रही है, तो वो मैं लाइव में बाद में बताऊँगा आपके लिए, वहाँ का कैसा रहा मेरा। तो यहाँ पे देखो, कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी बात कर लेता हूँ, ये भी कुछ बताएंगे यहाँ का क्या माहौल है। या तो ये किसान है या लेबर वाले, इन दोनों में से एक हो सकते हैं, आइए जानते हैं। भैया, कौन सा कोल्ड है ये? ये किसान कोल्ड स्टोरेज है। हाँ हाँ, ये संभल मंडी। तेज बोलिए थोड़ा। किसान कोल्ड स्टोरेज है ये। अच्छा, और ये नियर्स मंडी के पड़ता है। हाँ हाँ, और इसके फेमस है एक लंबी खजूर। लंबी खजूर, लंबी खजूर यहाँ पर नियर है इसकी। अच्छा। हाँ, और ये मतलब कौन सी जगह में? ये हसनपुर रोड पे कहलाता है। हसनपुर रोड मंडी और हसनपुर रोड कहलाता है। अच्छा, जिला 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 संभल, जिला संभल में जी। तो इसमें ये कोल्ड इस बार फुल हो जाएगा ना? फुल हो जाएगा, उम्मीद पूरी पूरी है कि कोल्ड स्टोर से फुल हो जाएगा। तो आप क्या करते हो यहाँ पे? हम ऐसा है, हमारा हम माल लाते हैं, अपने स्टोर रखते हैं। अच्छा, किसान हो आप? जी, किसान हैं। तो कैसी पैदावार निकल रही है इस समय? अच्छी पैदावार निकल रही है। अच्छा अच्छा, आलू सही है, सिर्फ थोड़ी गर्मी की वजह है, जो एकदम जल्दी से कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी खुदे और कोल्ड स्टोर पहुँचे आलू। अच्छा, जल्दी खुदे कोल्ड स्टोर पहुँचे। तो चिप्सोना ही होता है यहाँ? तो चिप्सोना ज़्यादातर कैपेसिटी, ज़्यादातर चिप्सोना की हमारे। अच्छा, तो ये बताइए कि जो डंपिंग होती है किसान की, जो डंप लगा देते हैं, ढेर लगा देते हैं जी, वो इस बार कैसी है? मैं समझता हूँ इस बार भी अच्छा खासी पोजिशन में है डंपिंग जी, क्योंकि आलू कुछ रेट डाउन होने की वजह से लोग किसानों ने अपने अपने मकानों में या बागमानों में जहाँ पर उनकी कोल्ड की जगह है वहाँ पर इकट्ठा कर लिया, वहाँ पर यानी डंप लगा दी है जी। तो डंप यहाँ पे तो कोई कम नहीं है? नहीं, कोई कमी नहीं, डंप थोड़ी बहुत बेकार हो रही है डंप यहाँ जी जी। तो अभी कोल्ड कब खुल जाएंगे आपको अंदाजा है? कोल्ड ये मेरे अपना से 1-1.5 महीना लग जाएगा। वही कोल्ड वालों ने बताया है कि मई के लास्ट में खुलेंगे। ठीक है, तो 1-1.5 महीना बाद खुलेंगे यहाँ कोल्ड जी जी जी। तो ये बताओ, यहाँ पे जो गाड़ी है, ये माल कहाँ ले जा रही है? ये तो बाहर जाता है माल, कभी दिल्ली जाता है, दिल्ली कानपुर इस तरह से। ये कह रहे हैं बंगाल भी गाड़ी लोड हो रही है? हाँ, बंगाल भी होती है, बंगाल भी, बिहार भी, दिल्ली जाता, ज्यादातर दिल्ली का। अभी इस समय क्या रेट चल रहा पता आपको यहाँ? यहाँ पर 1000 का भी है, 1100 का भी चिप्सोना। अच्छा, 1100-1100 रुपये पैकेट? ये पैकेट नहीं, क्विंटल। अच्छा, 1100-1100 रुपये क्विंटल जी। अच्छा, तो आलू अब यहाँ पे ये पानी क्यों दे रहे हैं खेतों में? ऐसा गर्मी पड़ रही बहुत ज़्यादा, और अगर ठंडा करने के लिए अगर हम पानी नहीं देते हैं इसको, तो इस वक्त ये आलू बहुत मुलायम हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा। यानी पानी देखे तो और 2 दिन बाद खुलते खुल देते हैं। हाँ, इस वक्त पानी देना बहुत जरूरी है गर्मी की वजह से जी जी जी।
क्योंकि मैं नई चीज देख रहा हूँ, ये पानी यही दे रहे हैं अभी फिलहाल। तो खुदाई अभी कितनी बाकी है आप तो किसानों? मेरे अपने अंदाज से 25% 25% अभी 25% तक जी हाँ। तो हम तो अभी 10-15% भी माने फिर भी बहुत है, तो वो 10-15% खुदाई बाकी है, उसे डंप भी मान लेते हैं, डंप भी इतनी जी, हाँ, वो बिल्कुल ऐसे खेत में रखना या डंपिंग में रखना एक ही बात है मतलब। तो फिर इस बार तो काफी ज्यादा आलू है, तो इस बार बस ये अभी खुदने वाला 15-20 दिन के अंदर। तो लोग तो ये कह रहे पैदावार कम ही, आलू कहाँ से निकल रहा है? नहीं पैदावार कम है, अच्छा खासी पैदावार हुई, सही पैदावार। अच्छा जी, अभी हमारे आज लेकर आया हूँ मैं तो 50 कट्टे निकले हैं, पर भीगे में चिप्सोना के 50 कट्टे निकले आपके जी। कौन सा गाँव है आपका? मेरा गाँव है मंडी खेरदास राय, मंडी खेरा सराय, किशन दास सराय, मंडी किशन दास सराय संभल जी। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मारूफ, मोहम्मद मारूफ जी। ठीक है जी, तो चलो चाचा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, तो किसान भाइयों ये देखिए यहाँ पे अभी आपको इन्होंने बताया था कि ये खुद माल लेके आए हैं और माल इधर की साइड तो पैदावार सही है मैं मानना हूँ, और मैं अभी तो दूसरे वाले रोड पे भी जाऊँगा, वहाँ की भी आपको वीडियो डालूंगा। ये तो अभी एक ही साइड की वीडियो है, और ये देखिए ये लिख रहा है आगरा से बेंगलोर, ये राजपूताना, कोई राजस्थान की गाड़ी यहाँ खड़ी है, अभी देखते हैं ये कहाँ जा रही है। और यहाँ पे डंप भी लगी हुई है बाहर, अभी गाड़ी वाले ट्रक वाले से ही पूछेंगे। तो आइए मेरे साथ किसान भाइयों। भैया ये गाड़ी कहाँ के लिए लोड होके जा रही है? ये गाड़ी कहाँ के लिए जा रही है? ये कानपुर जा रहा माल, ये कानपुर को जा रही है, हम गाजीपुर जा रहे हैं। गाजीपुर नहीं, ये बताया गया कि बंगाल के लिए जा रही है। भैया वो बता रहे वहाँ पे जो लोडिंग हो रही है, जो वहाँ पे लोडिंग हो रही है ना डंपिंग में, गाजीपुर जा रही है। तो किसान भाइयों ये गाड़ी तो देखो गाजीपुर जा रही है, एक गाड़ी और खड़ी है वहाँ पे, उसको भी पूछूंगा मैं। तो यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार नीचे लाइक भी करिए, और चैनल को यार सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर कर लिया, और जिन किसान भाइयों ने कर लिया है एक बार सब्सक्राइब कर लिया है उनको फिर बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो किसान भाइयों ये वीडियो यहाँ की कैसी लग रही है नीचे कमेंट में जरूर बताया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल जाए। हाँ जी भैया एक मिनट बता दोगे कुछ? ये कह रहा हूँ ये जो गाड़ी ले आ रही है ये कहाँ पे जा रही है आपकी? अभी भाई कंफर्म नहीं है इसके बारे में ना, फिर भी जैसे पहले कब कहाँ ले गए? पहले तो हम वो ले गए रे, वो ले गए सापला, वहाँ सापला थोड़ा ही, वहाँ जगाधरी। जगाधरी किस उसमें पड़ता है? ये हरियाणा में। अच्छा ठीक है, तो कुछ लोग ये बता रहे ना कि बंगाल के लिए गाड़ी जा रही है? नहीं बंगाल नहीं, अच्छा हरियाणा के लिए। हम तो जगाधरी यमुनानगर सहारनपुर इधर। अच्छा सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ? हाँ हाँ, हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है धन्यवाद भैया। किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगली वीडियो हम यहाँ पर डंपिंग दिखाएंगे आपके लिए, तो नमस्कार किसान भाइयों, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।